इस बार जितनी भी मैंने मनी प्लांट की कटिंग लगाई थी बहुत अच्छे से डेवलप कर गई हैं और सारे सारे कंटेनर को इन्होंने पूरी तरह से भर लिया है। ये मैंने कुछ अरेंजमेंट किया है, कंटेनर्स को छोटे बड़े हर साइज़ के मैंने लगाया है, दरवाजे को कवर किया है जिससे कि दरवाजे बहुत सुंदर लग रहे हैं, पूरा एरिया कवर कर लिया है जो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ऐसा आइडिया आप भी अपनाकर अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। ये देखिए मेरे जो सारे मनी प्लांट हैं ये एक ही जगह भी रखे हुए हैं, जितनी कटिंग लगाई है छोटे बड़े जितने भी प्लांटर में लगे हुए हैं वो सब यहीं पे रखे हुए हैं। दिवाली का इतना ज़्यादा काम था जिसकी वजह से इन्हें छुआ नहीं था, कि इनमें काम बहुत ज़्यादा है और काफ़ी टाइम लगने वाला है। ये देखिए ये जो मैंने फ्लैट बॉटल में मनी प्लांट लगाया था हैंगिंग के लिए तैयार किए थे, जड़ें एक दूसरे में जाके लिपट गई हैं, जिनको निकालना बड़ा मुश्किल है, सबको काट काट के अलग करना पड़ा था। और इनकी बेल है ये मनी प्लांट तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी जड़ें हैं, जहाँ जगह मिली है जहाँ इन्हें मिट्टी मिल गई है वहीं पे इन्होंने अपना घर बना लिया है। इसीलिए कहते हैं कि मनी प्लांट लगाना बहुत ही आसान होता है, ये बहुत अच्छे से ये कहीं भी छोटी सी छोटी जगह बड़ी से बड़ी जगह में आराम से लग जाते हैं। ये देखिए मेरी सारी फ्लैट बॉटल हैं जिनको जिसने कटिंग लगाई थी सब अच्छे से हो गए और इतनी लंबी लंबी इनकी ब्रांचेस हो गई हैं कि सब एक दूसरे पे चढ़ गई हैं, निकालने में भी बड़ा मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल हुई थी इनको निकालने में मुझे, और काफ़ी तो काटना पड़ गया था, जड़ों को तोड़ना पड़ गया था। पर यह है कि ये इनकी जड़ें टूट भी जाती हैं तो नुकसान नहीं होता है प्लांट को ये, क्योंकि हर जगह से ही जड़ें निकली होती हैं तो ये सर्वाइव कर जाते हैं बहुत ही आराम से। तो ये देखिए सब एक दूसरे पे इनकी डालियाँ सब चिपकी हुई हैं, बहुत ही मुश्किल से इनको निकाला है, और ये सोच रहे थे कि इसमें काम मेरा बढ़ जाएगा पर टाइम ही नहीं मिल रहा था कि इनको अलग करें, और आज सोच लिया था कि आज ये काम तो करना ही करना है, क्योंकि ये जगह भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, कुछ को तो पानी बहुत अच्छे से मिल जाता है और कुछ जो गमले हैं उनको पानी नहीं मिल पा रहा है, जो जिसकी वजह से ये सब सूख भी रहे हैं। यहाँ पे मेरे बड़े बड़े प्लांट भी रखे हुए हैं, कड़ी पत्ता है और भी बहुत सारी बेल वाले प्लांट रखे हैं जिनको पानी नहीं मिल पा रहा इनकी वजह से, तो आज इन्हें निकालना बहुत ज़रूरी था। ये बकेट में पानी भर के रख रखा है जिससे कि इनकी बॉटल को साफ़ करके रखते जाएँ, धो के रखते जाएँ। देखिए इनकी जो नीचे बॉटल में जो छेद करते हैं पानी एक्स्ट्रा पानी निकलने के लिए, तो उसमें देखिए जड़ें सब बाहर निकल के आ गई हैं, और बारिश में ये रखे रहे हैं तो बारिश में तो वैसे भी पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। ये देखिए कितनी मोटी मोटी जड़ें सब बाहर निकल के दिखाई दे रही हैं, तो इन जड़ों को हटा देंगे काट देंगे बाकी फिर वो और डेवलप होती रहेंगी धीरे धीरे। देखिए ये पूरा जंगल जैसा बना हुआ है, मेरे कई वीडियो में मैंने इसको दिखाया है जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो और ये जो बॉटल हैं इनको हमने इस तरह से रस्सी से दोनों तरफ बांध के ऐसे तैयार कर रखा है और ऊपर की रस्सी को यहाँ पे टांग दिया है, ये एक स्टैंड बनवाया था उसी में हुक लगवा दिए थे कि कोई भी हैंगिंग प्लांटर इसमें लगा सके। देखिए ये रस्सी इस तरह से लगाते हैं, दोनों सिरों में गांठ लगा देंगे और बीच का हिस्सा लटका देंगे, तो ये एक हैंगिंग प्लांटर बन गया है। काफ़ी कुछ तो पेंट है और काफ़ी पेंट ख़राब भी हो गया है क्योंकि पिछले साल का ये है, और रखने से बार बार ज़मीन में रगड़ खाने से इनका ये पेंट छूट गया है, जो बाद में अभी तो ये काम कर लें उसके बाद पेंट का काम करेंगे। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरे चैनल में जो नए आए हों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए। ये मेरे बालकनी में टांगने के लिए प्लांटर थे उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छे से ग्रोथ कर ली है, ब्रांचेस काफ़ी लटक रही हैं और लटकते हुए मनी प्लांट की ब्रांचेस बहुत सुंदर लगती हैं, और ये घना घना लगता है देखने में, बहुत सुंदर लगता है बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो पहले आपको हमने जो फ़ोटो दिखाई है वो इसी प्लांटर की हैं, इन्हीं दोनों की हैं, वहाँ पे एक स्टैंड दीवार पे स्टैंड बनवाया इस बार अभी हमने तो उसी में रख दिया था,
तो लटकती हुई ब्रांचेस बहुत अच्छी लग रही थी। एक नई चीज़ दिखाते हैं आपको, ये देखिए 200 ग्राम का जो बटर आता है उसका डब्बा है ये, उसमें दो तीन कटिंग लगाई थी और देखिए एक कटिंग कितनी ज़्यादा लंबी हो गई है, और ये ऐसे ही रखी हुई थी, पता ही नहीं चला था कि ये रखा हुआ है। ये देखिए इस प्रकार से मेरा दरवाज़ा कितना सुंदर लग रहा है, इसमें हमने चारों तरफ से ऐसे लगा दिया है। आप आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।